हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसा हैं सब? अभी सुबह का 10 बज रहा है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोग को घर का दिखाऊंगी। घर का है तो ऐसे ही दिखाती हूँ, लेकिन आज घर का गार्डन के ऊपर दिखाऊंगी। तो देर की बात की, चलिए चलते हैं। अभी मैं गेट के बाहर हूँ। जैसे ही घर से एंट्री करते हैं हम लोग, यहाँ एक ब्रिज दिखाई देता है जो कि नाला है बड़ा वाला, इसलिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितना बड़ा नाला है, इसमें इसलिए तो नहीं जा सकते, इसलिए ब्रिज लगा है यहाँ। और साइड साइड देखिए ये कितना अच्छा अच्छा गार्डन बनाए हैं। और बहुत बहुत बड़ा पेड़ लोग भी है। आपको कैमरा में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये फूल वाला गार्डन है जो कि हर कलर का फूल मिलेगा यहाँ। चलिए उस तरफ का मैं भी दिखा देती हूँ। तरफ का भी देखिए, लेकिन इस तरफ का बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो मैं अभी तो आ चुकी हूँ। देखिए रोज वाला है। देखिए रोज कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारा कलरिंग वाला रोज है, लेकिन आज न्यू उगा है। ये है पुदीना पत्ता और ये है सेफ्टी फूल। ये है सनफ्लावर और ये है आंटी का तुलसीगत जो सुबह उठ के पूजा करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये भी सेफ्टी फूल है और ये भी है। देखिए कितना कलर का मिलेगा आप लोग को। ये फूल देखने से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि हम लोग स्कूल टाइम में उसका एक ऑरेंज कलर भी रहता है, ये येलो कलर का है। तो ऑरेंज कलर काफ़ी मज़ेदार लगता है और कॉपी में हम लोग इसको ऐसे तोड़ के इसको ऐसे प्रिंट करते थे तो बहुत ही मज़ेदार दिखता था। तो ये वीडियो मेरे फ्रेंड लोग देख रहे होंगे तो उन लोग को समझ में आया होगा कि हाँ हम लोग ऐसे करते थे बोल के। तो ये फूल देख कर मुझे मेरा बचपना का याद आ गया है। और ये फूल है, ये बहुत मतलब गुफा गुफा टाइप होता है, ये थोड़ा अलग है। उसका फूल हम लोग ऐसे किसी के बार में रहता था तो चोरने के लिए खास करके जाते थे। तो ये फूल देखने से मुझे, ये गार्डन देखने से मुझे बचपना का याद आ रहा है और मेरे फ्रेंड लोग को भी। और ये देखिए ये है मंदार। यहाँ बहुत सारा पेड़ लुक है, लेकिन मुझे कौन सा क्या क्या है पता नहीं चल रहा है। और ये है रोज, ये येलो कलर का है। ये है अपराजिता पेड़ है। और ये ऑरेंज कलर का गुलाब है। और ये है पपीता का पेड़। देखिए ये भी रोज है, ये रोज ख़राब हो गया है। और ये रेड कलर का रोज है। और ये है मल्ली कागज जो अभी इसका फूल नहीं होगा है। और ये छोटा छोटा टगर वाला है। और ये है रोज रेड कलर का। और ये है जामुन का पेड़ और डालिम का पेड़ भी है। देखिए जामुन का पेड़ तो बहुत बड़ा वाला भी है। देखिए इसका इस पेड़ का जामुन बहुत ही मज़ेदार लगता है। अरे ये है आम का पेड़ जो अभी उसका फूल निकला है, अभी तक तो नहीं हुआ है, होगा तो खाएंगे मज़ेदार से।
और ये है, मैं ये आप लोग को दिखा क्यों रही हूँ, ये चेरी का पेड़ है और चेरी अभी तो नहीं हुआ है, उसका फूल है बस, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है होगा लेकिन छोटा छोटा वाइट वाइट फूल निकल रहा है इसमें, और चेरी खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है, और यहाँ उड़ीसा में चेरी नहीं मिलता है, रायपुर में मिलता है, और चेरी मुझे बहुत पसंद है, निकलेगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी, लेकिन एक अखबार ढूंढ के देखती हूँ मिले होगा भी, हाँ है ना, मैं आप लोग को निकाल के दिखा देती हूँ। तो अभी मैं चेरी ढूंढने में लगी हूँ और निकला है तो आप लोग को तोड़ के दिखाऊंगी। दोस्तों मुझे फाइनली चेरी मिल गया है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, और बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है तो मेरा आँख का ऐसे ऐसे बंद हो जा रहा है। तो अभी मैं चेरी तो मुझे मिल गया है और मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा है, और मैं बहुत दिनों के बाद चेरी खा रही हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ चेरी कितना मिला है मुझे। देखिए इतना सारा मुझे चेरी मिला है, तो उसको तो अभी मैं नहीं खाऊंगी, 2 मिनट के मतलब वीडियो ख़त्म होने के बाद खाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है और बहुत ही इसका खट्टा मीठा रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। देख लिया कितना सारा मिला, लेकिन मैं सोच रही थी नहीं उगा है बोल के, बस फूल है बोल के, तो फाइनली मिल गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत दिनों की बात खा रही हूँ, 2 साल के बाद खाऊंगी ये। तो आंटी क्या क्या पेड़ लगाए हैं घर में वो दिखा दे रही हूँ आप लोग को, चलिए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये छोटा छोटा मटकी में रखे हैं, और ये भी सेफ्टी फूल है, देखिए कितना कितना कलर वाला है, और ये भी ये ब्लू कलर का है। पर ये आंटी का घर, और ये अंदर मनी प्लांट लगाए हैं, और यहाँ छोटा छोटा कप में भी रखे हैं, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए।